नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस पुनीषा शर्मा के केस की। पुनीषा शर्मा के केस में अब लगातार शुजान खान की जमानत याचिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है क्यों मुंबई के वसई कोर्ट ने शुजान खान की जमानत याचिका को रद्द कर दिया, ये सवाल लगातार शुजान खान के फैंस उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरह से जस्टिस फॉर शुजान ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चाहे शुजान खान के साथ इस वक्त कितना भी बुरा हुआ, लेकिन जो उनके फैंस है वो अभी भी उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बता दें कि लगातार शुजान के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि जो कह सकते हैं राहत यहाँ पर वसई कोर्ट से नहीं मिली शुजान को, क्या वो हाई कोर्ट से मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि जब बीते 13 जनवरी को शुजान खान की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया तो उसके बाद शुजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा की ओर से बयान सामने आया कि वो अब शुजान खान के केस को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अब खबर ये सामने आ रही है कि शायद आज शुजान खान की जमानत याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके वकील दाखिल कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार जो सबूतों के आधार पर जो फैसला वसई कोर्ट की तरफ से आया, क्या इसके विपरीत शुजान खान को लेकर कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार इस केस में मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है। अब तक इस केस में सिर्फ और सिर्फ शुजान खान फंसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 13 जनवरी को जब जमानत याचिका को रद्द करने का फैसला सामने आया तो उसके बाद अब शुजान की मां भी इस केस में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि शुजान खान की मां के खिलाफ भी कई सबूत पेश किए गए हैं, जिसके आधार पर ही ये फैसला सामने आया कि अब शुजान खान के साथ साथ उनकी मां के खिलाफ भी जांच की जाएगी, छानबीन की जाएगी। आखिरकार क्या कुछ ये पूरा केस है वो यहाँ पर पुलिस अब खंगालने की कोशिश लगातार कर रही है। और अब ऐसे में क्या शुजान खान को जो राहत है वो बॉम्बे हाई कोर्ट से मिलेगी या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।